किसान साथियों, आज 21 नवंबर 2023 है। मेरे परम मित्र श्री जागरण जी बाग लगाना चाहते हैं, तो उनके कुछ सवाल थे जो मेरे से पूछना चाहते हैं। मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। भाई साहब, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। सर, ये बाग आप कब लगाए थे? ये बाग मैंने 27 जुलाई 2022 को लगाया था। अच्छा। बारिश का समय शुरू होने वाला था, शायद सेम डे बारिश हो गई थी। अच्छा। और अभी ये 1 साल 4 महीने के आसपास का बाग कंप्लीट हो गया है। अभी जैसे 27 तारीख आ जाए, समझ लीजिए कि ये जो है 1 साल 4 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। और आपका दूसरा क्या सवाल? सर, ये कितनी बीघे में आप लगवा रखे हैं? ये हमने पक्का 10 बीघे में बाग लगाया हुआ है, तो पक्का 7 बीघे में मैंने ताइवान पिंक लगाया है और 3 बीघे में मैंने देसी और प्लस EL49 अमरूद लगाया हुआ है। दूसरी चीज़ और दूसरा कोई आपके अंदर क्या आप जानना चाह रहे हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, ये कौन सी वैरायटी के पौधे हैं? ये हमारे ताइवान पिंक के हैं और ये इसमें अब लगातार फलन चालू है। इसमें कभी किसी महीने में फल रुकता नहीं है, परमानेंट फलता ही है। बशर्ते इसको खाद पानी और जैसे गोबर की खाद है, सिंचाई इसको परमानेंट मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें फलन का हिसाब किताब देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए फल है, ये फल है, नीचे फल देखिए, ये फल भी रहा है, बड़े भी फल हैं और पूरे पौधे में हर डाल में ये देखिए कलियां भी आ रही हैं। अमरूद लगा है, छोटा बड़ा सब, छोटा भी अमरूद आ रहा है, नई कलियों में फलन भी शुरू है। एक ही पौधा नहीं, इसमें देखिए सारे पौधों में एक ही जैसा सिस्टम है, सब में फल है और फलन शुरू भी है, बड़ा भी फल है। जी जी, कलियों में ये फल है। जी जी, हर पौधे का यही हाल है। और देखिए ये फल आज हमने खाने के लिए तोड़ा भी हुआ है। जी जी जी। कारण ये कि फल अभी तो इसका साइज ही नहीं आया है। जब थोड़ा साइज आएगा, ये देखिए यही पौधा अकेले पौधे में अगर हम चारों तरफ से फल दिखाएं तो करीब 100 फल के आसपास तो जरूर होगा, क्योंकि चारों तरफ से देखिए ये पौधा हमने ज़्यादा से ज़्यादा 6-6 इंच का लगाया था और ये अभी ये खाने लायक हमारा अमरूद हो गया है। तो ये अब नीचे से दिखाओ, ये अमरूद चारों तरफ से फल रखा है, फलन आ भी रही है और फल भी रहा है। दूसरे भी पौधे दिखाइए, इसमें देखिए ये फल भी रहा है, फूल भी आ रहा है, ये देखो छोटी फलन भी है। ये देखिए इसी में नहीं, सब टोटल पौधे भर में ये देखिए छोटे छोटे कलियां भी लग रही है, फल भी रहा है। इधर से आके दिखाइए, ये दिखाओ, हर पौधे में बस यही फलन का कोई तोड़ नहीं है। ये प्रजाति एक बहुत अच्छी प्रजाति है, तो हम किसान साथियों से ये बोलेंगे। अभी ये पौधे देखिए, इनमें अगले 10-15 दिन में टूटने लायक फल भी हो गया है और फलन का आप हिसाब किताब देख रहे हैं कि पौधा बिल्कुल बढ़ भी रहा है और इसमें कल्ले और फल फूल दोनों आ रहे हैं। ये देखिए छोटी फलन भी शुरू है और नीचे आप फलन देखिए, देखिए इन कलियों में क्या है, ये फलन है। टोटल हर डाली में, हर कली में फलन ही फलन है। इधर एक एक पौधे का हिसाब किताब सब ऐसे लगता है कि अलग से ही है सिस्टम इसका। एक ही पौधा नहीं, इधर देखिए, ये देखिए बंदरों ने इसको लगे लगे ही खा लिया है। अच्छा, ये देखिए बंदरों ने कैसे खाया हुआ इस फल को, ये लगे लगे ही बंदरों ने खा लिया। अब देखो यहाँ पे फलों की कोई हिसाब किताब नहीं है कि जिस तरह इसमें फल आया हुआ है, सब फल ही फल है, बीच में पूरा फला हुआ है। अब
सवाल ये है कि और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें जैसे खाद पानी कैसे आप देते हैं? अब देखिए, इसमें जब हमारे यहाँ बारिश का पानी चढ़ाया था हमारे, क्योंकि ये गंगा के किनारे हमारा फार्म है जी, तो उस टाइम पे इसमें स्वतः कुछ खाद पानी आई और उसके बाद हमने जो है इसमें फिर थोड़ा सा DAP दिया और इसमें ऑलरेडी पहले से गोबर की खाद दबा के डाली हुई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। मैंने 12 अगस्त को बाढ़ आई थी उसके बाद हमने कोई खाद और पानी कुछ भी नहीं दिया, केवल इसमें हमने जो है इसकी पीड़े बंधवाई थी। ये पीड़ मतलब पौधे सब पलट रहे थे तो इनको हमने बंधवाया था। ये जो है आप देखिए कि हर पौधा बिल्कुल जो फल गया है, डाल अभी से झुक गई है, जबकि अब आप बताओ कि ये सारे पौधों में इतने इतने बड़े फल, और देखिए हर फलन ऊंचा नीचा सब जगह जो है फल है। दिखाओ इधर, दिखाओ, ये हर एक पौधा बिल्कुल लदा पड़ा है फलों से, तो कोई ऐसा पौधा नहीं जो लदा नहीं पड़ा है हर पौधा। और देखिए फलन शुरू भी है, फलों की कमी तो है नहीं, फल भी रहा है और इसमें जो है बड़े भी फल हैं, छोटे भी फल हैं। अब देखिए ये बारिश के कारण थोड़ा सा हैम्पर हुआ था पौधा, और अभी इसमें थोड़ी सी जान आई क्योंकि नई कलियां दिख रही हैं। जैसे देखो नई कलियां दिख रही हैं तो इसका मतलब पौधा चल पड़ा, अपने अवस्था में पकड़ रहा है। अगर आपका कोई और सवाल है तो कृपया पूछ सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये फलों से आपको पैदावारी कितनी हो जाती है, मतलब इसकी आमदनी क्या आपको? अभी हमने बाग लगाया ही है तो अभी तो हमारा ये कोई रखवाला है नहीं, तो बंदर खाते हैं। अच्छा, तो ये बंदरों के सहारे छूट रखा, बंदर खूब खा रहे हैं। और जिस दिन मैं रिटायर आऊँगा, तकरीबन मैं इसी दिसंबर के आसपास रिटायर आऊँगा, फिर इसकी देख रेख शुरू होगी, फिर हमें मुनाफा और घाटे का पता चलेगा। पौधों में जब फल है पकेगा टूटेगा तो अंडरस्टूड है कि इसमें मुनाफा आने आना, क्योंकि ऐसा कोई पौधा है नहीं जिसमें 40-50 अमरूद नहीं लग सकता। तो 50 अमरूद का मतलब लगभग एक क्रेट माल, और एक क्रेट का मतलब सीधा सीधा 20-22 किलो। अब 20-22 किलो का आप अंदाज़ा लगा लिए, 20 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए या 15 रुपये के हिसाब से लगाइए, तो एक पौधा 300-400 का है, 300 का तो मिनिमम है। अब मान के चलो जैसे मेरी बाग में लगभग 3-4 हज़ार पौधे के आसपास होंगे, 3-3.5 हज़ार तक तो होंगे, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जब एक पौधा 300 का है तो जितने पौधे इंटू 300 या 200 ही लगाओ, कुछ ज़्यादा मत लगाओ, 200 लगाओ, तो पर भी अब मतलब पूरे फार्म का एवरेज करीब 20 लाख रुपए आएगा। लेकिन आज नहीं है, जब ये फलन टूटना शुरू हो जाएगी, जब इसकी रखवाली होगी तब, क्योंकि किसी भी फसल को रखवाली की और प्लस उसके उचित मैनेजमेंट की ज़रूरत होती। जब इसका हम पूरा मैनेजमेंट दे पाएंगे उस टाइम पे हमारे को मुनाफा देगी, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं। क्या आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए? हाँ, हमको सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं। भेजी जी, अच्छा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, इस बात से आप संतुष्ट हैं। तो आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? हम तो हर किसान को सलाह देते हैं कि ना ज़्यादा लगा पाए तो कम से कम एक बीघे पे ज़मीन पे ये पेड़ लगावे और इसका ट्रायल ले, और गारंटी के साथ हम विश्वास है कि इन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। अब हम वीडियो लंबी होने जा रही है साथियों, हम ये वीडियो पूरा देखें, कृपया सब्सक्राइब शेयर और लाइक पक्का करें। साथियों, मैं एक महीने से करीब वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं किसी काम में लगा हुआ था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। साथियों, कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।